जब अप्लाई करते हैं ऐसे वेबसाइट्स पे या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स देते हैं, तो इनको झांसे में लेकर इनको ये आश्वासित किया जाता है कि इनकी पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज में पहुंच है और वहाँ पर उन कॉलेज को कॉलेज का एक राउंड भी दिलाया जाता है टू गेन देयर ट्रस्ट। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कोटा के थ्रू दिलाने का आश्वासन देके जो नीट एग्ज़ाम के लो रैंकर्स रहते हैं उनको अट्रैक्ट किया जाता है, उनको अप्लाई करके वो जब अप्लाई करते हैं ऐसे वेबसाइट्स पे या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स देते हैं, तो इनको झांसे में लेकर इनको ये आश्वासित किया जाता है कि इनकी पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज में पहुंच है और वहाँ पर उन कॉलेज को कॉलेज का एक राउंड भी दिलाया जाता है टू गेन देयर ट्रस्ट। और कुछ फोर्ज्ड उनके लेटर हेड्स के ऊपर इनको एडमिशन का आश्वासन भी दिया जाता है और इंस्टॉलमेंट्स में इनसे पैसे भी लिए जाते हैं, कुछ ऑनलाइन या फिर कैश। अभी तक जो इंट्रोगेशन रिपोर्ट्स और टेक्निकल डिटेल्स जो मिली है उसमें से कम इन्होंने 3 करोड़ 30 लाख तक की राशि अलग अलग विक्टिम्स से चीटिंग की हुई है। अभी तक 5 आरोपी पकड़े गए हैं, इसमें के कुछ आरोपी नोएडा के रहने वाले हैं और कुछ मुंबई नवी मुंबई के भी रहने वाले। यस, तो ये चूंकि इनके ऊपर 5-6 साल से इस टाइप के ऑफेंसेस रजिस्टर्ड है, कुछ के यूपी में रजिस्टर्ड है, कुछ के ऊपर गुजरात में रजिस्टर्ड है और कुछ के ऊपर मुंबई नवी मुंबई में रजिस्टर्ड है, तो ये एक ही क्षेत्र के होने की वजह से शायद इनके एक दूसरे से पहचान है। सर, कॉलेज में इनका सांगड़ नहीं है, जिस तरह से कोटा सिस्टम अभी कई कॉलेजों में चलता है और कई नेता है, कई समाज से लोगों को एडमिशन दिला देते हैं और उसके एवज में वो भी पैसे वसूल लेते हैं, तो क्या इन लोगों का कोई सांगड़ था या नहीं? ये अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसमें अगर किसी का इंडिविजुअल का इन्वॉल्वमेंट है तो उसकी भी तफ्तीश की जाएगी। जनता जनार्दन से क्या कहना चाहेंगे आप? हम नवी मुंबई पुलिस आयुक्त के हैसियत से सभी नागरिकों से अपील करेंगे कि इस टाइप के चीटिंग को कृपया करके आप विक्टिमाइज ना हो, लेकिन अगर आप ऑलरेडी विक्टिम है तो आप नवी मुंबई पुलिस को कांटेक्ट कीजिए, हम इसका एप्रोप्रिएट ऑफेंस रजिस्ट्रेशन करके विल टेक इट टू लॉजिकल कंक्लूजन।